हेलो एवरीवन आज मैं आप लोगों को क्लास टेंथ का जो आपका चैप्टर नंबर थर्टीन है ना सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स तो इसकी एक केस स्टडी का क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार केस स्टडी का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया पहले आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चंस में केस स्टडी आते थे टोटल फाइव क्वेश्चनस आते थे जिसमें से आपको फोर अटेम्प्ट करने होते थे और वो भी आपके एम सी क्यू क्वेश्चन होते थे लेकिन अब जैसे आपने देखा होगा सी बी एस ई का सैम्पल पेपर आया है बेसिक और स्टैंडर्ड का वो पेपर भी हमने सॉल्व कर रखा है चैनल पर अपलोड है प्ले लिस्ट भी बनी है तो आप उस पेपर को भी कर लेना ठीक है तो उस पेपर में आप लोगों ने देखा होगा कि केस स्टडी के क्वेश्चन थोड़े चेंज हो गए हैं अब एम सी क्यू फॉर्म में ना आ डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं सब्जेक्टिव टाइप तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये यह आता है कि जो ये सरफेस एरिया वाला चैप्टर है ना ये कई बार बहुत मुश्किल लगता है जैसे टिग्नोमेट्री मुश्किल लगता है कि इसके क्वेश्चन कैसे होंगे तो आज हम उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले का केस स्टडी क्वेश्चन बिल्कुल न्यू पैटर्न पे करने वाले हैं ठीक है थीके? इस क्वेश्चन को स्टार्ट कराने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी ये क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो इस बुक से लिया है कौन सी बुक है ये आपके पास ऑसवाल गुरुकुल की बुक है ये थर्टी सिक्स सैम्पल क्वेश्चन पेपर की बुक है ऑल सब्जेक्ट की कंबाइंड बुक है ठीक है तो एक बार जल्दी से इसको देख लेते हैं उसके बाद अपना केस स्टडी का क्वेश्चन शुरू करते हैं यहाँ जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर ये इंग्लिश हिंदी मैथ्स साइंस एस सारे सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर सिर्फ एक ही बुक में मिल रहे हैं आपको थर्टी सिक्स सैम्पल पेपर पता है ना आप लोगों को एग्जाम से पहले सैम्पल पेपर करके जाना कितना इंपॉर्टेंट है तो ये उसी के लिए ही ये बुक है स्पेशली टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एग्जामिनेशन के लिए जो न्यू पैटर्न सी बी एस ई ने फॉलो किया है इस साल से वो उसी पैटर्न पे बेस्ड आपकी ये बुक है तो अगर मैं यहाँ आपको इसके कंटेंट्स दिखाऊँ आप देख रहे हैं ना लिखा है एज पर द लेटेस्ट बोर्ड सिलेबस कंप्लीट सोल्यूशन अनसोल्व पेपर नहीं है <laughs> एक आधा पेपर आपको हर सब्जेक्ट में मिलेगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए बट सारे बाकी के सॉल्व मिलेंगे साथ के साथ जो सी बी एस ई ने पेपर इशू किया वो भी आपको इसमें फुल्ली सॉल्व मिलेगा ठीक है कंटेंट दिखाती हूँ मैं आपको सॉरी <coughs> तो अगर आप यहाँ कंटेंट देखें इसका तो ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का वो है जो सी बी एस ई ने आपके पास इशू किया था ये सारे आपके पास सॉल्व है उसके बाद एक पेपर आपके पास अनसोल्व है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए ठीक है सेम ऐसे ही हिंदी है जो फर्स्ट पेपर है ना सब सब्जेक्ट का वो आपका सीबीएसई वाला सैम्पल पेपर है और बाकी के सोल्व है और एक अनसोल्व है और एक्सप्लेनेशन भी इतनी अच्छी है कि आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में वो आंसर क्या है मतलब कोई टफ लैंग्वेज इस बुक में बिल्कुल भी यूज़ नहीं की गई है ठीक है मैथ्स अगर आप देखें तो इसमें आपको ज़्यादा सैम्पल पेपर दे दिए हैं जो सॉल्व हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सैम्पल पेपर सॉल्व हैं प्लस एक सी बी एस ई का हो गया प्लस एक अनसोल्ड हो गया तो सफिशियंट है एट या नाइन सैम्पल पेपर अगर आप एक सब्जेक्ट के कर जाओ स्पेशली मैथ्स के तो पेपर आप इजली कर सकते हो और ये तो बिल्कुल न्यू पैटर्न पे बेस्ड है तो और आपका इसमें फायदा होने वाला है सेम ऐसी साइंस है सेम ऐसी एस एस टी तो काफ़ी अच्छी बुक है इसकी जो बाय लिंक है ना मैं आपको नीचे दूंगी डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से देख लीजिएगा और इसके साथ साथ एक और चीज़ इस बुक में बहुत अच्छी है वो क्या है यहाँ पर आपको वेटेज दे रखी है कई बार ऐसा होता है हमारे को ना क्वेश्चन की वेटेज नहीं पता होता जैसे ये तो इंग्लिश है अगर मैं आपको इंग्लिश के बारे में बताऊँ तो सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी सेक्शन डी जो सब हैं कौन कौन से मतलब नोटिस है अगर आपका या फिर जो आपकी पोएम्स हैं लिटरेचर पोर्शन है कौन सा कितने नंबर का चैप्टर है वो सब आपको यहाँ दे रखा है बट अगर हम यहाँ मैथ्स देखें ना तो वो अच्छी है कई बार हमारे को ये नहीं पता होता कि वन मार्क के क्वेश्चन किन चैप्टर से आएंगे तो जिन चैप्टर से वन मार्क के क्वेश्चन आएंगे आप क्या करने वाले हो उसके एम सी क्यू क्वेश्चन करने वाले हो, है ना? वो तो वो ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ आपको वो भी दे रखा है इस बुक के अंदर सब सब्जेक्ट का है मैंने सिर्फ दो ही सब्जेक्ट का यहाँ आपको दिखाया पर है सब सब्जेक्ट का इस बुक के अंदर तो चैप्टर वन टू थ्री जैसे आपको लिखा है यहाँ इन से वन मार्क के क्वेश्चन आएंगे टू मार्क्स के किस में से आएंगे सॉरी वो भी यहाँ लिखा हुआ है थ्री मार्क्स फोर मार्क्स फाइव मार्क्स सब यहाँ लिखा हुआ है तो आपको वेटेज पता चल गई ना अब चैप्टर की तो अब आप प्रिपरेशन और अच्छे से कर पाओगे उन चैप्टर्स को उसी अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर पाओगे तो ये भी एक चीज़ आपको इस बुक में मिल जाएगी लैंग्वेज बहुत इजी है इस बुक की तो आप एक बार देखिएगा जरूर आपको मैं बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी आप वहाँ से देख सकते हैं ठीक है ठीके? कोई भी डाउट हो या कुछ और पूछना हो ये बुक से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है आज का जो क्वेश्चन मैंने आपका ले रखा है ये केस स्टडी का ये भी मैंने इसी बुक से ले रखा है चलिए शुरू करें क्वेश्चन अब देखिए यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है अ चाइल्ड इज प्लेइंग विद अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर द डायमेंशन ऑफ द पेपर इज 25 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर कैन ये इनटू मैं यहाँ पर ठीक है आग, एक सेकेंड सॉरी इनटू है यहाँ कैन बी रोल्ड अप अलोंग आइदर साइड टू फॉर्म टू सिलेंडर ए एंड बी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन देखो एक बच्चा है उसके पास एक पेपर है

आर में निकाल सकती हूँ कैसे देखो इसकी हाइट ट्वेंटी फाइव है तो इसका मतलब जो इसका सरकम है ना ये ये फोर्टीन होगा ठीक है ना तो फिर मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ फर्स्ट वाले में अगर मैं इसका सरकम पहले फाइंड कर लूँ सरकम मुझे इसका दे रखा है फोर्टीन है इसका फॉर्मूला होता है मेरे पास टू पाई आर यहाँ से मैं आर निकाल सकती हूँ ईजिली तो वो कितना निकल जाएगा मेरे पास आर वो आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर फोर्टीन अपॉन में टू पाई जिसको मैं कह सकती हूँ सेवन पाई आ गया ठीक है अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पर मुझे निकालनी थी यहाँ वॉल्यूम फर्स्ट पार्ट में तो अगर हम अपनी वॉल्यूम इसकी देखें तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच ठीक है तो पाई आर की जगह मैंने सेवन अपॉन पाई इंटू में सेवन अपॉन पाई लिख दिया एच मुझे ट्वेंटी फाइव की बनी था इस पाई से ये पाई कट कर दिया तो अभी मेरे पास कितना आ गया फोर्टी नाइन इंटू में ट्वेंटी फाइव आ गया और अपॉन में है पाई अब अगर मैं पाई की वैल्यू रखू क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे नहीं रखा तो मैं यहाँ रख सकती हूँ पाई की वैल्यू तो पाई की वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा फोर्टी नाइन इंटू में ट्वेंटी अपॉन में आ जाएगा ट्वेंटी टू अपॉन सेवन तो फोर्टी नाइन इंटू में ट्वेंटी अपॉन में ये ऊपर जाके रेसी प्रोकल हो गया सेवन अपॉन में ट्वेंटी टू अब आप इसको सॉल्व कर लो यूनिट अगर हम देखें तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर सॉल्व करने के बाद क्लियर है ना इसी के साथ एक और क्वेश्चन चॉइस में दे दिया व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी तो बी का भी मुझे आर नहीं पता लेकिन इसकी हाइट फोर्टीन है तो इसका सरकम कितना होगा ट्वेंटी फाइव होगा तो उसी से निकाल लेते हैं ना पहले तो अब यहाँ अगर हम सरकम फेरेंस देखें कैलकुलेशन ये आप खुद कर लेना सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड करना है जैसे आपको सही लगे पहले मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड कर देना पहले टू पाई आर अब मेरे पास यहाँ कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव हो जाएगा क्योंकि इसकी मुझे हाइट फोर्टीन दे रखी है तो मैंने यहाँ ट्वेंटी फाइव रख दिया तो ये आ जाएगा टू पाई आर तो मेरे पास यहाँ से आर कितना निकल के आ गया वो आ गया ट्वेंटी फाइव अपॉन में टू पाई पर मुझे तो वॉल्यूम निकालनी है ना तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है ठीक है तो पाई आर की जगह मैंने ट्वेंटी फाइव अपॉन में टू पाई यहाँ भी मैंने ट्वेंटी फाइव अपॉन में टू पाई रख दिया और एच मेरे को इसमें फोर्टीन गिवन ही था क्वेश्चन में इस पाई से इस पाई को काट दिया तो कितना आ गया ट्वेंटी फाइव इंटू में ट्वेंटी फाइव इंटू में फोर्टीन और अपॉन में आ जाएगा फोर पाई टू टू जो फोर और पाई ऐसी है हो जाएगा ट्वेंटी फाइव इंटू में ट्वेंटी फाइव इंटू में फोर्टीन और यहां मैं लिख सकती हूँ फोर इंटू में ट्वेंटी टू अपॉन सेवन ठीक है तो आ जाएगा ट्वेंटी फाइव इंटू मे ट्वेंटी फाइव इंटू में फोर्टीन और नीचे हो जाएगा एटी एट अपॉन सेवन तो वो ऊपर आके हो जाएगा सेवन अपॉन में एटी एट सॉल्व कर लो कट कर लो जो जिससे कट हो रहा है मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी आपको करना है वो आपका आंसर ये आपकी वॉल्यूम निकल जाएगी क्लियर है तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें हम आर कहाँ से निकालें एच तो दे रखिए तो जब आपको उस पेपर की डायमेंशन दे रखे हैं और आपसे कह रहे हैं आपने रोल किया है एक बार एक साइड से एक बार एक साइड से तो वो उसका सरकमफेरेंस बन गया ना तो उससे आर निकल जाएगा ठीक है ना चलिए सेकेंड वाले पार्ट में आपसे इसमें क्या कह रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सिलेंडर ए एंड सिलेंडर बी रेडियस की रेडियस तो अभी फाइंड किया है इसका रेडियस है सेवन अ फाइव इसका ट्वेंटी फाइव अट फाइव ठीक है तो चलो देखते हैं यहाँ पर करते हैं इसको तो रेडियस का रेशो निकालना है ना तो यहां लिख देते हैं रिक्वायर्ड रेशो। तो दोनों का रेडियस आप पहले ही ऑलरेडी निकाल चुके हो सिर्फ आपको वहाँ पर रेशो निकालनी है तो कैसे निकालेंगे वो था आपके पास सेवन अपॉन पाई और दूसरा आपके पास क्या था अगर हम यहां पर देखें वो था आपके पास ट्वेंटी फाइव अपॉन में टू पाई तो आप क्या करते हैं हम यहां पर इसके नीचे लिख देते हैं 25 अपॉन में 2 पाई ठीक है तो ये हो गया 7 अपॉन में 5 में यहाँ आ जाएगा 2 पाई अपॉन में आ जाएगा 25 ये इससे कट हो गया तो ये आ गया 14 अपॉन में 25 आपको क्या निकालना था रेशो ना तो वो आ गया आपका 14, रेशो 14:25 ये आपका सेकेंड पार्ट क्लियर चलिए थर्ड पार्ट में कह रहे हैं इस अच्छा है, यहाँ वट आएगा तो लिख लेना आप वट इज़ द फॉमुला ऑफ़ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर सिर्फ एक फॉर्मला ही पूछ लिया ऐसा आपके पास जो सी बी एस ई का सैम्पल पेपर आया ना उसमें भी आपसे फॉमले पूछे गए हैं तो फॉर्मले भी सारे अच्छे से याद कर लेना बिल्कुल ठीक है इस फॉर्मले के ना एक सेपरेट वीडियो बना रखे उसमें सारे फॉर्मलेज लिखे हैं तो आप वो देख लेना चैनल पर अपलोड है मैं लिंक नीचे डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में ठीक है कर्व्ड सर्फेस एरिया क्या होता है रूपयार एच ये लो ये थी केस स्टडी जो हमको लगता है ना कि हाँ कितनी मुश्किल होगी केस स्टडी कैसे होंगे क्वेश्चन तो ये इतने आसान होते हैं बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए चैप्टर का चैप्टर हमने ये एनसीईआरटी से कर रखा है चैप्टर नंबर थर्टीन प्लस इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर रखे हैं साथ साथ जो आपको गवर्नमेंट स्कूल से बुक मिलती है ना उससे भी हमने इस चैप्टर को शुरू कर दिया है तो आप सब जगह से इस चैप्टर को अच्छे से कर लेना जितनी बुक से कर सकते हो ठीक है कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू